इसके पीछे दो कारण हैं। एक तो रूटीन जो एक्टिविटी है, जिसमें कि आउटडोर गेम्स, जितने प्लेग्राउंड थे, आज बच्चे सिर्फ इंडोर गेम्स पे ध्यान दे रहे हैं, बाहर कोई खेलने नहीं जाता, फास्ट फूड जंक फूड का यूज ज़्यादा है, जिससे हमारे शरीर में जो बेकार के तत्व हैं, जिसमें कि हम कोलेस्ट्रॉल की मात्रा माने, वो सब बढ़ रहा है। और आउटडोर गेम्स ना होने के कारण, फिजिकल एक्टिविटी कम होने के कारण हार्ट की क्षमता कम हो रही है, और हार्ट की क्षमता कम होने के कारण जब भी ऑक्सीजन सप्लाई और डिमांड में अंतर आता है, उस समय ये संभावना रहती है कि सडन अरेस्ट आ सकता है किसी को। इसलिए इसमें बचाव के दो तरीके हैं कि एक तो हम आउटडोर गेम्स को प्रमोट करें कैसे भी करके, और दूसरा बच्चों को फास्ट फूड जंक फूड से बचाएं, उनको मोबाइल की बजाय उनको ग्राउंड्स पे भेजें कि वो कम से कम रूटीन एक्टिविटी में फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ा सके, जिससे थोड़ा हार्ट को मजबूती हो। ये देखने में आता है कि जो यंग एज में अटैक आते हैं, उसमें जो हार्ट की ब्लड सप्लाई होती है, उसमें प्रॉपर कोलेट्रल बढ़े हुए नहीं होते। कोलेट्रल का मतलब होता है कि जो नॉर्मल सप्लाई है उसमें एक सप्लाई दूसरे से जुड़ जाए, वो ना होने की वजह से यंग एज में जब कभी भी हार्ट अटैक होता है तो ज़्यादा घातक रिजल्ट होने की संभावना होता है, जैसा कि आज अपने को देखने को मिल रहा है। लेकिन आज का जो मामला है डॉक्टर साहब, अगर उसको देखें, जैसा अभी आप थोड़ी देर पहले जिक्र कर रहे थे कि जॉगिंग जाना चाहिए या ग्राउंड पे उन लोगों को जाना चाहिए, तो जो बच्चा था वो तो आज ग्राउंड पे ही था, ग्राउंड पे वो सुबह 5 बजे उठ करके और ग्राउंड गया था, और आज ग्राउंड पे एक राउंड के दौरान ही जो है वो गिर गया और उसकी मौत हो गई। पर उसकी पुरानी हिस्ट्री तो अपने को नहीं मालूम है कि वो लगातार ग्राउंड जा रहा था या नहीं, या आज पहला ही दिन था, पहले से जा रहा था, ये कह नहीं पाते। ऐसे मामलों में ऐसा होता है कि कोई कंजेनाइटल बीमारी तो नहीं है उसको, कि हार्ट की कोई पहले से बीमारी है जिसके बारे में अपने को कोई अवेयरनेस नहीं है, उसको खुद को भी अवेयरनेस नहीं है कि उसकी प्रॉपर सप्लाई है या नहीं है। इस मामले में ये कह सकते हैं कि हार्ट की कोई कंजेनाइटल बीमारी या अनुवांशिक बीमारी हो तो वहाँ समस्या आ सकती है।